भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नालागढ़ की ग्राम पंचायत भियुंखरी में स्कूल की बिल्डिंग की हालत इतनी खस्ता है कि वहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस स्कूल में तकरीबन 97 बच्चे रोजाना पढ़ने आते हैं, परंतु सारा दिन डर के साए में पढ़ने को मजबूर है। 2018 और 19 में उपायुक्त द्वारा स्कूल की बिल्डिंग को गिराने के आदेश भी जारी किए गए थे, परंतु अभी तक कोई भी उचित कार्यवाही नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार का फंड स्कूल को मिला है। स्कूल के मुख्य अध्यापक का कहना है कि यहाँ आसपास स्कूल के कोई दूसरी बिल्डिंग ना होने की वजह से इसी बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाने को मजबूर है। बिल्डिंग की हाल तो बहुत नाजुक है, जिंदगी कभी भी गिर सकती है, तो इसके लिए जो मेरे से पहले के मुख्य अध्यापक थे उन्होंने इस बिल्डिंग का डिसमेंटल के लिए केस भेजा था और नई बिल्डिंग बनाने के लिए भी केस डिपार्टमेंट के थ्रू सबमिट किया था, जो अभी दो तीन चार दिन पहले वापस आया है। उसको दोबारा उन्होंने एस्टिमेट और अन्य फॉर्मेलिटी के साथ दोबारा मांगा हुआ, जिसको 5-7 दिन में दोबारा डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया जाएगा। ऊपर से बिल्डिंग के कभी भी ऊपर से सीमेंट के पीस छूट कर गिरते रहते हैं, तो हादसा होने का तो हमेशा डर रहता है, लेकिन हमारे पास यहाँ कोई भी सरकारी या निजी भवन नहीं है जिसमें कि हम इन बच्चों को शिफ्ट करके वहाँ बैठा सकें। हमारे स्कूल में इसमें समस्या है जी, हमारे जो बच्चे हैं स्कूल में आते हैं, स्कूल की जो बिल्डिंग है टूट पड़ी है सारी, और बच्चे के ऊपर वो सीमेंट और बजरी ऊपर से गिरती है बच्चे के ऊपर, और बच्चे नीचे बैठे होते हैं। जब बारिश लगती है तब बच्चे के ऊपर जो पानी बाढ़ से ऊपर से गिरता है सारा बच्चे के ऊपर गिरता है, और बच्चों का सामान भी कापी भी सब भीग जाती है, और कोई हमारी पुकार के सरकार नहीं सुनती है। तो हमारा जो स्कूल है डूंगर स्कूल है, उसकी खस्ता हालत है बहुत, और बच्चे अंदर बैठते हैं और ऊपर से लेंटर हो गिर रहा है, कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है। और हमने प्रशासन को भी कई बार बोला, कई बार उनको अवगत कराया, पर अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ। और यहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ भी काफ़ी है, और ना तो यहाँ पे कोई काम हो रहा है और ना तो कोई और यहाँ पे सुविधा है कि जहाँ बच्चों को शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि यहाँ कमरे ही इतने हैं। इसे सरकार से अनुरोध है कि इस काम को जल्दी जल्दी करें, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है। ऐसा एक मामला मीडिया की तरफ से हमारे ध्यान में लाया गया है कि बिल्डिंग को अनसेफ करने का ऑर्डर हो चुका है 2017 में, उसके बावजूद भी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। इस संबंध में कुछ वीडियो भी हमें दिखाए गए हैं, तो इस संबंध में हमने डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन को भी पत्र लिखा है और साथ ही स्कूल के प्रधानाचार्य को भी उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं। साथ ही हमने ग्राम पंचायत के जेई और प्रधान को भी रिक्वेस्ट की है कि वो 1-2-3 कमरों का एस्टिमेट बनाकर जल्दी ही डीसी महोदय को सबमिट करें, ताकि इस संबंध में उचित मद से उन्हें फंड की जो है सहायता प्रदान की जा सके। इसको लेकर हम कार्रवाई कर रहे हैं, और अभी हमने प्रिंसिपल साहब से भी रिक्वेस्ट की कि बच्चों की सेफ्टी से किसी भी प्रकार का कोई समझौता ना किया। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी। डॉक्टर KDI's हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।